आज पंडुका पुल के शिलान्यास कार्यक्रम में आप सब लोगों का हम दिल से स्वागत करते हैं। और आज का कार्यक्रम है जो लगभग 210 करोड़ की लागत से रोहतास जिला अंतर्गत सोन नदी पर पंडुका के पास पहुंच पथ सहित 2 लेन उच्च स्तरीय RCC पुल का निर्माण कार्य का है, उसका शिलान्यास हो रहा है। और बिहार की धरती पर केंद्रीय मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का सबसे पहले तहे दिल से हम उनका अभिनंदन करते हैं। और रोहतास जिला के लोगों का, कैमूर के इलाकों का बहुत दिनों से ये मांग था कि यहाँ जल्द से जल्द जो है पुल का जो है निर्माण कराया जाए। और इस पुल के निर्माण में चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को काफ़ी जो है सहयोग मिलेगा। और जो रास्ता जो है, जो काफ़ी लंबा समय लगता था जाने में, वो काफ़ी उसमें कमी आएगी। तो ये काफ़ी बेहतरीन काम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा कैसे दिलाएं। और इसके लिए भारत सरकार में मंत्री नितिन गडकरी जी को हम धन्यवाद ही नहीं देना चाहते, बल्कि आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, जो हमारे अभिभावक नितिन गडकरी जी हैं, जब बिहार के लिए काम के लिए जब उन तक हम पहुँचे, हमारी मीटिंग हुई उनसे, तो हम बताना चाहेंगे बहुत ही फलदायक मीटिंग रहा। और माननीय नितिन गडकरी जी एक प्रोग्रेसिव नेता हैं। हमें खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, हम लोगों का पूरा कोशिश है कि बिहार जो है तरक्की के रास्ते पे चले, आगे बढ़े। जो हम लोगों का एजेंडा है, पढ़ाई हो, दवाई हो, कमाई हो, सिंचाई हो, सुनवाई हो, कार्रवाई हो, इस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में बिहार जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। ये काफी बधाई के पात्र है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे राज्य अव्वल राज्यों में से है, इसलिए इसमें तेजी से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। जो हम लोगों का कमिटमेंट है, नीतीश जी ने कहा है कि भाई 10 लाख 20 लाख जो है रोजगार के साथ सरकारी नौकरी भी जो है हम लोग देने का काम करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद लाखों के तादाद में बहालियां निकलने वाली हैं। मेरे पास स्वास्थ्य विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग में तकरीबन अकेले कम से कम 1.5 लाख सरकारी नौकरी हम निकालने जा रहे हैं, 1.5 लाख केवल स्वास्थ्य विभाग से। तो ऐसे ही गृह विभाग है, वैसे ही शिक्षा विभाग है, टीचर की बहाली, प्रोफेसर की बहाली, इंजीनियर की बहाली, नर्स की बहाली, डॉक्टरों की बहाली। तो इस दिशा में हमारी सरकार जो है काम कर रही है। आप सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और हम लोगों की कोशिश होगी कि ये पुल का जो आज शिलान्यास हुआ है, जल्द से जल्द वो दिन हम आप लोगों को दिखाने का काम करें जब हम लोग पुल से चढ़ करके झारखंड जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो। ये हमारी और भारत सरकार की इन सारी चीज़ों पर नज़र होगी। तो आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।